हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप बिना कंटेंट बनाए बिना वीडियो बनाए दूसरे के वीडियो से आप जो है लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपए पैसा कमा सकते हैं, महीने के लाखों बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी एडिटिंग आपको आनी चाहिए और थोड़ा सा आपका फेस जो है आपके वीडियो में दिखना चाहिए और आप जो है महीने के लाखों कमा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि लोग इस पे जो है कमा रहे हैं या नहीं, ये फेक वीडियो है या कुछ मैं आपको बरगला रहा हूँ। पहले आपको मैं प्रूफ ही दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ओपन कर लेता हूँ मैं पहले इस वीडियो को। हेलो, तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, मैं इसका सबसे पहले वॉइस को कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखे तो ये कुछ भी नहीं कर रही है, आराम से जो है तीन बंदी यहाँ पे बैठ गई है और क्या करेगी कि इसके मैं वीडियो को आगे बढ़ा के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखे कि ये कंटेंट किसी और का है, यहाँ पे कोई भी वीडियो ये तीनों जो है ले ली है मोबाइल में और वीडियो देख रही है और जो है इस पर कुछ कुछ जो अपना रिएक्शन दे रही है, हंस रही है, बीच बीच में बोल रही है इस टाइप के वीडियो में। और ये इसका चैनल मोनेटाइज है या नहीं मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं इसके चैनल में विजिट करूँगा सबसे पहले, इसका चैनल आप देख ले। यहाँ पे देखे कि इसका सब्सक्राइबर बेस भी देख ले, कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस इसका है, 35,000 लगभग इसका सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे देखे तो इसका हर एक वीडियो जो है रिएक्शन वीडियो ही है, ये मूवी क्लिप है और जो है दूसरे का कंटेंट उठाती है, दूसरे का वीडियो उठाती है और जो है थोड़ा सा एडिट करके और जो है अपने चैनल पर अपलोड कर देती है। सबसे पहले हम इसका अर्निंग देखेंगे कि ये सच में अर्निंग करती है या नहीं करती है। होम में जाएंगे हम इसके और यहाँ पे इसके चैनल को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे सोशल ब्लेड साइट में। यहाँ पे हमने सोशल ब्लेड साइट में आ गया और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इस साइट में इसका चैनल को जो है हम एक बार पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका चैनल मोनेटाइज है या फिर मोनेटाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट किया, हम सर्च करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये सच में जो है अर्निंग करती है या नहीं करती है। एक बार रिजल्ट आने के बाद आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें इसका चैनल जो है मोनेटाइज है। इसका कंट्री देखें तो इसका कंट्री जो है इंडिया है, ये इंडियन चैनल ही है, ये जो है कोई विदेश वाला चैनल नहीं है, इंडियन चैनल है। और यहाँ पे देखें तो इसका सोशल ब्लेड रैंक इतना है और इसका सब्सक्राइबर रैंक भी देख सकते हैं, कंट्री रैंक भी देख सकते हैं इस साइट पर आकर। और यहाँ पर इसका अर्निंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर एस्टिमेटेड अर्निंग जो है सोशल ब्लेड साइट ने इसको दिखाया है। एस्टिमेट अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर देखें $225 से लेके $3600 तक ये अर्निंग कर लेती है इस चैनल के माध्यम से। तो जो है कुछ भी नहीं करती, मैंने आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा दिया कि जो है बीच बीच में जो है कुछ भी हंसती रहती है, मतलब उसके ऊपर में वीडियो चलता रहता है। यहाँ पे एस्टिमेटेड ईयरली अर्निंग भी आप देख सकते हैं $2700 से लेके $43,000 में है फ्रेंड्स, ये डॉलर में है। और जो है आप इस तरह से वीडियो को एडिट करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं। हम एक दो चैनल का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए और भी ढेर सारा चैनल आपको दिख जाएगा, जैसे इस बंदे को देखे तो ये भी जो है रिएक्शन वीडियो ही जो है अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। आप सिंगल भी रिएक्शन दे सकते हैं, आपको जरूर नहीं है कि दो तीन आदमी होना ही चाहिए। आपको जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन वीडियो लिखेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स में रिएक्शन वीडियो लिख के अगर आप अभी भी अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे रिएक्शन वीडियो, तो आपको ढेरों रिएक्शन वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ढेरों रिएक्शन वीडियो देखने को मिल गया है और ढेर सारा। पहले आप जो है खुद चेक कर ले और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कुछ भी मैंने पहले आपको दिखा दिया, इसका प्रूफ मैंने दिखाया है, अब मैं इसको एडिट करना भी सिखाऊंगा। अगर आपको डीपली एडिट करना सीखना है कैसे एडिट करी जाती है इस टाइप की वीडियो को, तो मैं आपको जो है किसी दूसरे वीडियो में डीपली एडिट करना सिखाऊंगा कि जैसे ही आप यहाँ पर बोलेंगे ठीक उसी तरह से वीडियो में भी प्ले होगा, तो उसको कैसे एडिट करना है वो हम किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया इसका प्रूफ कि जो है यहाँ पे देखे कि ये लोग अर्न कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, सच में इंटरेस्टेड है और अपना मोबाइल फ़ोन से भी काम करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज करके भी काम करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन पर ही एडिट करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल पर भी एडिट कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी फ़ोन क्यों ना हो, यहाँ पर कोई सा भी आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप इस टाइप के वीडियो को बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं। मूवी पे भी जो है रिएक्शन दे सकते हैं, कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आपको वो एडिटिंग सीखना है तो हमें जो है कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इंटरेस्ट है, यूट्यूब चैनल में इंटरेस्ट है, अर्निंग से इंटरेस्ट है, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे पास दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉफ्टवेयर का यहाँ पे भरमार लगा हुआ है, यहाँ पे ढेरों सॉफ्टवेयर मेरे पास है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर में आप सीखना चाहें मैं आपको उस सॉफ्टवेयर में सिखा सकता हूँ। आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं आपको फ्री में जो है प्राइवेट एकदम डीपली वाला वीडियो मैं आपको दूंगा ला के। यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है ढेरों सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसमें भी आप रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम लैब में भी रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये भी सिखा सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ इसमें अगर आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर आप सीखना चाहते हैं फिल्मोरा में, तो मैं आपको फिल्मोरा में सिखा सकता हूँ। अगर आपको ऑडियो एडिटिंग सीखना है, डीपली ऑडियो एडिटिंग सीखना है, तो वो भी सिखा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो फुटेज वाला जो है वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, फुटेज जो बैकग्राउंड में फुटेज चलता रहता है और आपका जो है वीडियो बनता रहता है, मतलब कुछ वॉइस ओवर करते हैं, जैसे मोटिवेशनल टाइप वीडियो हो गया, अमेजिंग फैक्ट वाला वीडियो हो गया, इस टाइप का अगर आपको वीडियो बनाना सीखना है, तो सब कुछ इस चैनल पे मैं आपको जो है बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल फ्री में फुटेज भी लेना है, कोई भी फुटेज आपको बिल्कुल फ्री में उसे अपना बनाना है, यूट्यूब चैनल के ही फुटेज को अपना बनाना है, किसी भी फुटेज को अपना बनाना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिंपल है इसको एडिट करना, ये जो है रिएक्शन वीडियो को एडिट करना सिंपल है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं आपको एक रिएक्शन वीडियो दिखा देता हूँ, कैसे बना जाता है रिएक्शन वीडियो, एक ही झलक दूंगा बस। अब जो है बड़ी आसान है इसमें सीखना, फिल्मोरा में बहुत ही आसान है, उससे भी ज़्यादा आसान है। आप मोबाइल पर अगर सीखना चाहते हैं तो काइनमास्टर, अगर आपको काइनमास्टर में सीखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे ही जो है वीडियो ला के दूंगा। अगर एक भी बंदे हमें कमेंट करते हैं कि हमको ये इसमें इंटरेस्ट है रिएक्शन वीडियो बनाना चाहता हूँ, फैक्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं आपको जो है प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो बनाया है। अगर इसी चैनल पर आप जो है मेरे वीडियो देखेंगे, फैक्ट वीडियो देखेंगे, मैं अलग अलग टाइप्स का आपको वीडियो जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है एग्जाम्पल के रूप में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इस टाइप के वीडियो को लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारा फिल्मोरा ओपन हो गया है, यहाँ पे इसी तरह का फिल्मोरा का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे देखें तो आपको प्लस वाला यहाँ पे एक बटन दिखता है, तो इस प्लस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइल ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर वाला फाइल आपका ओपन हो जाएगा। अब रिएक्शन वीडियो कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा झलक दे देता हूँ। मैं एक फुटेज जो है ले लेता हूँ, जो मान लीजिए कि आपका खुद का फुटेज है और उस पर जो है आप रिएक्शन करेंगे, तो मैं एक फुटेज यहाँ पे ले लेता हूँ कोई सा। यहाँ पे देखें तो ये सभी पेड फुटेज है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ये फुटेज प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे देखें एक मैं वीडियो ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ये वाला एक गर्ल का वीडियो है, ये जो है खाना खा रही है, मतलब आपको खाना नहीं खाना है, मतलब आपको जो है कैमरा के सामने बैठ के वीडियो को देखना है। मैं यहाँ पे इसे टाइमलाइन पे, जैसे यहाँ इस प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये जो है टाइमलाइन में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे वाले को टाइमलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपका वीडियो जो है इसी तरह बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका वीडियो, और कोई भी मूवी क्लिप हो या दूसरा का वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, उसे आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि बैकग्राउंड में आपका वीडियो लगा हुआ है तो उसमें कुछ कॉपीराइट का मसला आता है, मैं आपको जो बताऊंगा वो करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट का मसला देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे मूवी क्लिप्स ही दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे देखिए ये एक मूवी का क्लिप है, आप अगर इसे जानते हैं तो ये आप जो है पता कर पाएंगे, ये मूवी का क्लिप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देखिए इस मूवी को आप जरूर जानते होंगे, ये मूवी क्लिप ही है। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरह से जो ये वीडियो आ गया है, पहले मैं इसे पहले छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा झलक देने वाला हूँ, तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं इसे यहाँ से कट कर दिया हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से कट करूँगा पहले मैं, यहाँ से अगर ऐसे इस तरह से कट हो जाता है, गलत हो जाता है आपको, तो क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडिट बटन में अंडो कर देना है, तो ये अंडो हो जाएगा और मैं इसे कट करके हटाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या हुआ कि ये वीडियो मेरा बैकग्राउंड में लगा हुआ है और उसके ऊपर में ये मूवी लगा हुआ है। क्या करना है कि इस मूवी वाले पार्ट को आपको छोटा कर देना है, इतना छोटा करेंगे और आपका जो है बैकग्राउंड में यहाँ पे आपका फेस नज़र आना चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ जो है यहाँ कम से कम आपका फेस नज़र आना ही चाहिए, इससे बीच में आना चाहिए, या फिर यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, आपका फेस नज़र आना ही चाहिए।
इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन ये ऊपर में आ गया है। अब क्या होगा कि इसके साउंड में जो है कुछ कॉपीराइट का मसला हो सकता है, तो साउंड को ही कुछ एडिट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट ऑडियो में जाएंगे, क्या करना है फिर से आप देख ले एक बार। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, इस वाले पार्ट में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए एक एडजस्ट ऑडियो दिख जाएगा। यहाँ पे डिटैच ऑडियो के जस्ट ऊपर में आपको एडजस्ट ऑडियो दिख जाएगा, इसी एडजस्ट ऑडियो में जाना है। राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट ऑडियो में जाए तो यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाएगा। इसका डैशबोर्ड आप देख ले, यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से फेड कर सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं, इक्वालाइजर चेंज कर सकते हैं, नॉइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जो है इक्वालाइजर को यहाँ पे कर देना है क्लासिक, रिमूव बैकग्राउंड नॉइज पे टिक कर देना है और कर देना है यहाँ पे ओके। तो अब क्या हुआ कि इसका आवाज़ थोड़ा चेंज हो गया है। और क्या करना है आपको कि थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ाना है, तो यहाँ पे फिर से एक बार राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन दिख जाएगा आपको। देखिए स्पीड एंड ड्यूरेशन दिख गया है, राइट क्लिक करेंगे, स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1.10 कर देना है, 1.0 आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे हमको जो है 1.0 करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्पीड बढ़ेगा तो ये थोड़ा रेड हो जाएगा। आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला भाग रेड हो गया है, अब जो है इसका स्पीड बढ़ गया है, अब ये जो है इस पर कॉपीराइट कभी नहीं आएगा। तो मैंने थोड़ा सा झलक दिया आपको, इस तरह से आप जो है रिएक्शन वीडियो एडिट कर सकते हैं, रिएक्शन वीडियो एडिट करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे देखिए ढेरों लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको एक ही घंटा मिलता है दिन में, तो ऐसे इस टाइप का रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाए, यूट्यूब चैनल पर अपना नाम पहचान जो है थोड़ा सा ज़रूर बनाए। यहाँ पे देखिए तो 80,000 व्यू आ जाते हैं इस रिएक्शन वीडियो पे। यहाँ पे देखिए लोग खूब देखते हैं इन सबको, खूब चलता है इस टाइप का वीडियो, इसमें कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं है, खूब चलेगा आपका वीडियो। बस आपको 2 से 3 महीना मेहनत करना है, 2 से 3 महीना लगातार डेली अगर आप एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, लगातार डेली वीडियो देंगे, तो आपका डेफिनेटली आपका वीडियो वायरल जाएगा, आपका रीच बढ़ेगा, रिकमेंडेशन बढ़ेगा। YouTube का रिकमेंडेशन कैसे बढ़ाया जाता है, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको एक्सपोर्ट करना भी बता देता हूँ। यहाँ पे अब क्या करना है कि इस एक्सपोर्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फाइल सेव टू कर सकते हैं, कहीं जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, यहाँ से फाइल नेम को चेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं ये कितना टाइम में एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा और ये जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको जो है हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपको सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में अर्निंग करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।